नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास डिजिटल क्लेम मीटर मैंने परचेस किया है मार्केट से। तो इसका हम फटाफट से अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो ये मुझे मार्केट से आप देख सकते हैं ये 1400 रुपये का अराउंड पड़ा है। इसकी ओरिजिनल प्राइस देख सकते हैं अभी ये 1560 रुपीज़ है, ठीक है। मुझे ये 1400 रुपये में ऑफलाइन मार्केट से मिल गया है, ठीक है। और ये क्लेम मीटर है, तो इस तरह से आपका जो क्लेम मीटर है वो भी मैको कंपनी का अच्छी ब्रांड का ये क्लेम मीटर है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आएगा ये क्लेम, इसके अंदर बुकलेट दी गई है और ये प्रॉब इसके टेस्टिंग प्रॉब। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो फटाफट से पहले मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में बता दूंगा, इसके बाद इसका जितने भी फंक्शन हों वो हम प्रैक्टिकल भी देख लेंगे, डेमो देकर आपको बता दूंगा कैसे इसका यूज़ किया जाता है। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप उसकी बुकलेट आएगी, उसमें भी आप देख के पढ़ के सब कर सकते हैं। मगर आपको मैं शॉर्ट में इसका सभी फंक्शन को शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर पहले आप देख सकते हो ये इसका क्लेम है, ये देख सकते हैं इस तरह से इसका क्लेम आएगा। तो यहाँ पे हम बीच में वायर को रख के किसी भी वायर का अगर करंट मेजर करना चाहता है, इस तरह से क्लेम को लगा के सिंपली हम इसको इस तरह से भी बीच में रखना होगा, तभी इसके करंट हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ये यहाँ पे टॉर्च लाइट ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे NCV लिखा है, NCV यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, यानी अगर आप कोई आपकी लाइन जा रही है, फेस की लाइन जा रहा है, उसका आप करंट मेजर करना चाहते हो तो आप सिंपली इसको यानी उसके अंदर सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो पता करना, तो सिंपली उसको वहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको बीप का साउंडिंग भी आएगा और यहाँ जो लाइट है टॉर्च लाइट वो भी फटाफट से ब्लिंकिंग करने लगेगी। आपको पता चल जाएगा कि ये जो वायर इसके अंदर फेज सप्लाई जा रहा है, ठीक है। तो इससे हम ये पता कर सकते, उसको बिना टच किए हम पता कर सकते हैं NCV की हेल्प से, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, ठीक है। तो अब ये ऑफ कंडीशन में और इसको हम इस तरह से इस मोड में रखें NCV में, तो इस तरह से जैसे मैंने आपको कोई भी वायर का प्लग सप्लाई फेस उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा वो पता करना, तो यहाँ पे सिंपल ये मोड पे NCV नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज मोड पे रख के आप इजीली वायर के नज़दीक ला के उसको चेक कर सकते हैं। ये आपको मैं प्रैक्टिकल भी बता दूंगा। तो ये इसका फंक्शन है। और इसके बाद यहाँ पे इसको 600 एम्पीयर की रेटिंग तक हम करंट जो AC करंट उसको मेजर कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है 600 एम्पीयर तक। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये 20 एम्पीयर तक का छोटी रेटिंग में भी हम एम्पीयर को मेजर करें, वो भी AC के लिए, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा जो वोल्टेज है वो 600 वोल्टेज, मैक्सिमम 600 वोल्टेज तक हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं AC वोल्टेज। उसी तरह यहाँ पे DC वोल्टेज के लिए भी हम 600 वोल्टेज तक DC वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं ये मोड पर। और फिर इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये रेजिस्टेंस के लिए आ जाएगा, ठीक है, जो हम 20 MΩ तक रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे डायोड टेस्ट के लिए और कंटिन्यू टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी मोड में है, डायोड टेस्ट के मोड में। यहाँ पे इसको फंक्शन को हम प्रेस करूँगा, प्रेस करेंगे तो ये अभी कंटिन्यूटी मोड पे आ जाएगा। तो ये हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं और डायोड टेस्ट भी इसमें कर सकते हैं ये फंक्शन बटन की हेल्प से। इसको फिर होल्ड बटन पे होल्ड कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को अगर आपको होल्ड करना देखना है ठीक तरह से तो होल्ड बटन को प्रेस करेंगे। और जो मैक्सिमम बटन है, तो अगर आपने वोल्टेज जो मैक्सिमम है उसको प्रेस करके रखेंगे तो आपको जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो बता देगा, ठीक है। तो इसका यूज़ है। और यहाँ पे आपको जो ये होल्ड बटन है उसको आप प्रेस करके रखो 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे आपको बैक लाइट रात में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन देखिए बैक लाइट आपकी जो स्क्रीन है वो बैक लाइट लाइट दी गई है इसके अंदर 2 सेकंड के लिए, इस तरह से प्रेस करके रहेंगे कि तो आपको रात को भी इसको दे सकते हैं। और 2 प्रॉप के लिए कॉमन और वोल्टेज के लिए, ठीक है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं ये 1.5 वोल्ट की AAA की बैटरी आप यूज़ कर सकते, 2 बैटरी लगेगी इसके अंदर, ठीक है। अगर ये लो हो जाएगा तो यहाँ पर आपको बैटरी का सिम्बल आ जाएगा कि आपकी बैटरी लो होगी तो आपको उसको चेंज करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके फंक्शन, अभी सभी फंक्शन को हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मैक्सिमम है वो मोड पे सिर्फ हम AC वोल्टेज, DC वोल्टेज और रेजिस्टेंस ही चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम जो ये कंटिन्यूटी पे रखे। और दूसरी चीज़ आपको बताना भूल गया कि अगर गलती से अभी आपका ऑन रह जाता है, इस तरह से ऑन रह गया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक 15 सेकंड के बाद, 15 मिनट के बाद बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। 15 मिनट तक चालू रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब बैटरी भी आपकी वो ड्रेनिंग होने की कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो यहाँ पे हम ये कंटिन्यूटी और डायोड टेस्ट मोड पे इसके रखेंगे। तो पहले फंक्शन बटन को मैं प्रेस करता हूँ, तो ये कंटिन्यूटी के लिए हो गया, ठीक है। सिंपल जो इसके प्रोब है इसको इस तरह से पहले शॉर्ट करेंगे तो इसका बीप का साउंडिंग आया, यानी ये ओके। अभी ये जो दो वायर है तो ये कहीं से ब्रेक तो नहीं हो गया या ओपन तो नहीं हो गया, वो हम चेक करेंगे। तो इसको कंटिन्यूटी टेस्ट करते, इसको लगा कि इस तरह से कहीं तो ये बीप का साउंडिंग आ रहा है, इसका मीनिंग कि ये वायर हमारा पूरा ओके, कहीं से ब्रेक नहीं हुआ। तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते किसी भी वायर का, ठीक है। और ये मोड पे रखेंगे फंक्शन को, तो ये यहाँ पे डायोड मोड आ जाएगा आपका, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो डायोड मेरे पास है अभी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे ये एक डायोड है मेरे पास, तो हम उसका चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये डायोड का, तो यहाँ पे ये डायोड आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये एनोड और ये कैथोड, ये देख सकते हैं ध्यान से। तो ये एनोड, ये साइड आपका एनोड है और ये कैथोड, तो इसको इस तरह से मेजर करेंगे तो आपको ये देखिए इधर थोड़ा रीडिंग शो होगा, इस तरह से ये रीडिंग देख सकते हैं, ये रीडिंग शो हो रहा है,
ठीक है, यानी ये डायोड अभी ओके है, इसको अभी पलटा के भी चेक कर लेंगे इस तरह से, तो इसमें रीडिंग शो नहीं होना चाहिए। तो ये ओके है, ये देखिए इसमें रीडिंग शो नहीं कर रहा, इस तरह से हम पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से लगाएं तो रीडिंग शो कर रहा है। तो ये डायोड हमारा ओके है, दूसरी इसी तरह दूसरा डायोड भी हम चेक कर लेंगे, इसमें भी रीडिंग शो कर रहा है और इसमें देख लेते हैं इसमें रीडिंग नहीं शो कर रहा, यानी ये डायोड ओके हमारा। इस तरह से हम डायोड टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसके बाद ये रेजिस्टेंस पे हम सेट करेंगे, रेजिस्टेंस पे लगा दिया और ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, तो उसका हम चेक कर लेंगे। तो मैंने बोला 20 मेगा ओम तक इसकी रेटिंग है, तो इस तरह से अगर ये आपको स्टेडी रखना तो इसको होल्ड बटन को प्रेस कर देंगे इस तरह से, तो ये आपका स्टेडी हो जाएगा, तो आपको रीडिंग पता चलेगा कि यहाँ पे 1 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है, ये देख सकते हैं 1 किलो ओम का, ठीक है। और होल्ड बटन को इस तरह से ऐसे कर देंगे। इसी तरह दूसरा रेजिस्टेंस भी हम चेक कर लेते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमें मिल रहा है, ये देखिए 4.5 किलो ओम, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको उल्टा उल्टा के भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से सेमी रीडिंग बताएगी आपको 4.5 किलो ओम, ठीक है। तो ये इस तरह से आप रेजिस्टेंस फॉर्म में रख के रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डीसी वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक बैटरी पड़ी है, तो इसका हम वोल्टेज इस तरह से डीसी वोल्टेज मोड पे रखे चेक कर लेंगे। डीसी में आप मैक्सिमम 600 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसको रखेंगे इस तरह से और देख लेते हैं कितना बता रहा है। ये बैटरी थोड़ी वोल्टेज के कम, देखिए बैटरी जो मेरी बैटरी ख़त्म हुई 2 वोल्ट की ही है, ये 12 वोल्ट की है, मगर यहाँ पे 2 वोल्ट बताया, यानी ये बैटरी हमारी थोड़ी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो इस तरह से आप वोल्टेज डीसी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी मेन चीज़ भी जो है इसका जो एसी करंट हमें मेज़र करना है वो, और एनसी भी कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो ये हमारी पैनल बोर्ड है, तो यहाँ पे पहले हम जो एसी वोल्टेज है वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको 3 फेज वोल्टेज 2 फेज के बीच भी बता दूंगा, सिंगल फेज के बीच कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी बता दूंगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे वोल्टेज में एसी मोड है वहाँ पे हमें लगाना इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे 3 फेज सप्लाई हमारा आया, 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, यानी 3 फेज और एक हमारा न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, तो इसके लिए ये प्रोब को इस तरह से लगाऊंगा, ठीक है। ये चेक करते समय ध्यान रखिए, तो पहले हम ये 2 फेज के बीच वोल्टेज चेक कर इस तरह से मैंने लगा दिया और देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है 434 वोल्ट है, ठीक है। इसी तरह दूसरे फेज में चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी हमें मिला 431 430, ठीक है। इसी तरह ये फेज और ये न्यूट्रल के बीच अभी चेक कर लेंगे, तो ये हमें 249 जितना मिल रहा है, ये दे सकते हैं। अभी जो मेन चीज़ है कि जैसे मैंने आप बताया, अगर आपको ये सप्लाई अभी चालू है बंद है ये वायर के अंदर, तो कैसे पता करना, तो ये हमें एनसीवी मोड पे रखना है इस तरह से, ये देख सकते हैं ये जो एनसीवी मोड है इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इसको ये प्रोब को भी निकाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देख सकते हैं, तो अभी ये जहाँ पे लाइन चालू है वहाँ पे हम लेके जाएंगे देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ, तो ये देखिए ये इस तरह से ब्लिंकिंग हो रहा है, ये देख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फेज़ आ रहा है, उसी तरह यहाँ पे दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे में भी हमारा इस तरह से फेज़ आ रहा है, ये देखिए इस तरह से ब्लिंकिंग हो रहा है। अब ये न्यूट्रल पे लगा के देखेंगे, तो ये देखिए न्यूट्रल पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे सप्लाई इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। सिर्फ फेज़ के अंदर हमारा सब, यानी जहाँ पे फेज़ वायर होगा वहाँ पे ये ब्लिंकिंग करेगा इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसको लगा के हम चेक कर सकते हैं। तो अभी हम जो करंट में हमें मेज़र करना है, तो इसके लिए ये हमें यहाँ पे जो इसका मोड है 20 एम्पीयर वाला, यहाँ पे इसको रखना है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो ये हम 20 एम्पीयर मोड पे रखेंगे और अभी मैं ये जो हमें 3 फेज सप्लाई, तो वहाँ पे पहले अभी आपको बता देता हूँ कि क्या बता रहा है। तो अभी कुछ हमारा लाइन चालू है मगर जो हमारी ये मोटर है वो चालू नहीं है, दे सकते। तो इसके लिए यहाँ पे 0 0 बताया गया सभी में। अभी जैसे ही मोटर को स्टार्ट करूँगा तो हमको एम्पीयर भी बता देगा। तो ये हम यहाँ पे MCB को ऑन कर देते इस तरह से और ये मोटर को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए मोटर स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए। तो अभी मैं इसके जो जो करंट मेज़र कैसे करते हैं वो मैं आपको बताया, इस तरह से इसको लगाएंगे, सिंपली इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए ये अभी 0.7 जितना बता रहा है, इसी तरह इसमें चेक कर लेंगे, ये हमें 0.8 जितना बता रहा है। देखिए अभी करंट बढ़ गया क्योंकि ये जो मेरी मोटर स्टार डेल्टा में है, तो अभी डेल्टा स्टार से डेल्टा में वर्क करिए, तो यहाँ पे देखिए 3.35 एम्पियर बता रहा है। इसी तरह ये भी उसका बता रहा है 3.25, ठीक है। तो इस तरह से आप इजी वे में, काफ़ी इजी में क्लैम मीटर की हेल्प से करंट को मेजर कर सकते हैं। दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक वाले बटन को करंट लगा दो, सब्सक्राइब बटन को शॉर्ट सर्किट के तौर में चैनल को पावर दे दो, जिससे कि मेरी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।